पहाड़ से लेकर मैदानों तक इस समय भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सहारनपुर में प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी मंदिर परिसर में भी जल सैलाब आ गया है, जिसकी चपेट में वहां की कई दुकानें भी आ गई। गनीमत ये रही कि कोई भी जनहानि नहीं हुई। वहीं प्रशासन ने अतियातन मंदिर में भक्तों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। और ये तस्वीरें सहारनपुर उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर माँ शाकुंभरी देवी मंदिर के परिसर के अंदर इस तरीके से जलभराव की तस्वीरें सामने आई है। और फिलहाल श्रद्धालुओं के मंदिर में प्रवेश पर भी प्रशासन की तरफ से रोक लगाई गई। और चलिए आगे बढ़ते हैं। वही 5 दिनों से लगातार हो रही बारिश से सहारनपुर से होकर गुजरने वाली नदियां इस समय उफान पर हैं। कई कॉलोनियां ऐसी हैं जहां पर जलभराव हो रखा है, वहीं जिसे देखते हुए प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। प्रशासन ने आपदा प्रभावितों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य किया है। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय लगातार जारी है। चल यह काम, चल चल चल। और ज्यादा जानकारी के साथ सहारनपुर से संवाददाता संजय चौधरी मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजय, फिलहाल सहारनपुर में क्या कुछ स्थितियां बनती हुई नजर आई हैं? वो माँ शाकुंभरी देवी मंदिर का परिसर हो या फिर जो आम जगहें हैं, सार्वजनिक जगह है, वहां पर क्या कुछ हालात बने हुए हैं? क्योंकि जो तस्वीरें इस समय हम देख रहे हैं वो वाकई में ही किस तरीके से हालात बने हुए हैं देहरादून सहारनपुर के, इस बात को दर्शाती हुई नजर आ रही है। देखिए, बताना चाहूंगा, सहारनपुर में पिछले 5 दिनों से लगातार बरसात हो रही है और इस सहारनपुर में ही पूरे सहारनपुर जनपद में चारों ओर पानी पानी नजर आ रहा है। बात की जाए माँ शाकुंभरी देवी पर, अभी कल बहुत भयंकर सैलाब आ गया था, उसके बाद वहां पर श्रद्धालुओं को जाने पर रोक लगा दी है, क्योंकि उसके साथ ही मैदानी इलाकों में भी कई कॉलोनियां ऐसी हैं जो जलमग्न हो चुके हैं। प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ है और बात की जाए तो निचले इलाके पूरी तरीके से डूबे हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें वो भी हम पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक। इस समय क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? अभी स्थिति बरसात लगातार जारी है और देखा जाए तो कई कॉलोनियों में कई कई फीट पानी है। बात की जाए तो प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। हालांकि कावड़ यात्रा चल रही है, उसको भी लेकर प्रशासन अलर्ट है, लेकिन ये बरसात से चारों ओर पानी पानी नजर आ रहा है, जिससे कि प्रशासन कई सभी व्यवस्थाएं देख रहे हैं और लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है प्रशासन। जी चलिए, बिल्कुल ठीक है, देखना होगा आगे भी जो प्रयास है प्रशासन के वो किस तरीके से जारी रहते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।